हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स में कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको हम आसान तरीके से समझेंगे, ये बहुत आसान तरीके से समझेंगे, क्योंकि मैं बताऊंगा तुम्हारे को, इसको मगअप मत करो, क्योंकि मैं पहले मेरे एग्जाम पर मैं एग्जाम था मेरा, मैं भी इसको मगअप करा था, इसलिए उस एग्जाम में मेरे को पूछे थे एसोसिएटिव लॉ बोलकर। एसोसिएटिव लॉ बोले तो मैं यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ लिखा हूँ, क्योंकि बहुत तुम्हारे को कन्फ्यूज होगा इसमें, तुम मगअप करे तो डिफरेंस तुम्हें पता नहीं होगा, बट इसको तुम अच्छे से समझे तो ये बहुत आसान है, तुम अच्छे से समझ सकते। इसको हम समझेंगे अच्छे से। हम पहले देखेंगे एक कम्यूटेटिव लॉ, इसका नाम क्यों रखे कम्यूटेटिव बोलकर, इसको हम समझेंगे पहले। इसका नाम क्यों रखे बोले तो ये कम्यूट वर्ड से आया है, आज बताऊंगा तुम्हारे को। देखो इसको काटूंगा, अब देखो ये कम्यूटेटिव क्यों रखा बोले तो इसका नाम एक कम्यूट वर्ड से आया है, कम्यूट कम्यूट वर्ड से आया है। देखो कम्यूट मीनिंग क्या है, कम्यूट वर्ड का मीनिंग क्या है, कम्यूट वर्ड का मीनिंग है चेंज करना, चेंज, और हिंदी में तुम इसको बोल सकते हो बदलना, बदलना, और स्विच भी बोल सकते हैं इसको, स्विच भी बोल सकते हैं, बदलना, इसको बदलना तुम बोल सकते हो, बदलना बोल सकते हो, और ग्रुप बोल सकते हो, ग्रुप ग्रुप नहीं, इसको चेंज बोल, चेंज चेंज बोलना। अब देखो इसी के अर्थ से तुम्हारे को पता हो सकते, तुम बहुत आसान से पता कर सकते इसको। देखो अब देखो बदलना बोलना, अब देखो ए प्लस बी करा हूं मैं यहाँ पर, तुम इसको ऐसा भी ऐसे लिखे तो भी कुछ भी नहीं, आउटपुट में कुछ भी एरर नहीं आएगा, आउटपुट सेम आएगा, इसी के इसलिए इसको कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। कम्यूटेटिव बोल बोले तो ए प्लस बी कराओ, उसी को ही मैं उससे अपरेंट को चेंज करे तो भी आउटपुट को आउटपुट में कुछ भी फर्क नहीं आएगा। अब देखो मैं एग्जांपल से तुम्हारे को लिखूंगा, ए को मैं 3 लिखूंगा, ए को 3 लिखूंगा, बी को 4 लिखूंगा, 3 प्लस 4 और 4 प्लस 3, तुम इसको यार सेम ही करो यार, कुछ तो तुम्हारे को आउटपुट में कुछ तो फर्क आएगा, यहाँ पर भी 7 आएगा, यहाँ पर भी 7 आएगा, कुछ भी फर्क नहीं आएगा, बट इसी को तुम मैं सब्सट्रैक्शन में करे तो फर्क आएगा। देखो ए माइनस बी करो, बी माइनस ए करो, इसी को तुम सब्सट्रैक्ट में करे तो ये क्या है 3 है, 3 माइनस 4 बी 4 है, 4 माइनस 3, 3 में ऐसे 4 रहे तो कितना माइनस 1 होगा, इसमें प्लस होगा, यहाँ पर आउटपुट में तुम्हें देखो माइनस 1 आ रहा, और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में माइनस 1 आ रहा, राइट हैंड साइड में 1 आ रहा, ये कम्यूटेटिव लॉ सब्सट्रैक्शन को अप्लाई नहीं होगा, एडिशन को अप्लाई होगा और मल्टीप्लिकेशन को अप्लाई होगा। देखेंगे देखो मल्टीप्लिकेशन को, यहाँ पर देखेंगे मल्टीप्लिकेशन को, ए इंटू बी, इसको मैं काटूंगा सब, इसको काटूंगा, इसको काटूंगा, देखो मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा, ए इंटू बी, बी इंटू ए, इसी को मैं बदल रहा हूँ, अपरेंट को चेंज कर रहा हूँ, इसीलिए अब देखो ये कितना था 3 था, बी 4 था, इसको 4 इंटू 3, 3 इंटू 4 12, 4 इंटू 3 12, आउटपुट में कुछ तो फर्क आया, कुछ भी नहीं आया ना आउटपुट में, कम्यूटेटिव लॉ किस किस को होगा, एडिशन को ये अप्लाई होगा और मल्टीप्लिकेशन को अप्लाई होगा, सब्सट्रैक्शन को भी नहीं होगा, डिवाइड को भी नहीं होगा, इसलिए इतना अच्छे से इसको समझ लो, बहुत ईजी है। कम्यूट बोले तो क्या, उसी को समझना पहले, हमारे को याद रखने के लिए तुम समझ लो, कम्यूट बोले तो क्या बदलना, इस अपरेंट को हम बदल रहे हैं, इसलिए कुछ भी अपरेंट को बदले तो कुछ भी आउटपुट में कुछ भी फर्क नहीं होना, इसलिए उसको कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। हाँ इसी से एसोसिएटिव लॉ भी हम समझ सकते हैं, बहुत आसान है कम्यूटेटिव लॉ, इतना तुम समझो तो बस। अब हम समझेंगे एसोसिएटिव लॉ बोलकर, देखो अब देखो मैं बताऊंगा तुम्हारे को, काटूंगा, एसोसिएटिव लॉ बोले तो क्या तुम भी समझ लो, एसोसिएटिव लॉ। अब देखो हम पहले समझेंगे एसोसिएटिव वर्ड कहां से आया है, क्योंकि उसको समझे तो हम बहुत आसान से समझ सकते हैं। एसोसिएटिव वर्ड एसोसिएट वर्ड से आया है, एसोसिएट एसोसिएट बोले तो क्या, एसोसिएट बोले तो ग्रुप करना, ग्रुप करना, और हिंदी में इसको बोल सकते साथी और सहयोगी भी बोल सकते हैं, इसको एसोसिएट एसोसिएट वर्ड से है, उसको हम
इंग्लिश में ग्रुप करना बोला ग्रुप, और इसको हिंदी में साथी बोलो, सहयोगी बोलो, सहयोगी बोलो, सहयोगी, सहयोगी बोलो, बहुत तुम कहा कुछ भी बोल सकते इसको ग्रुप। अब देखो, अब मेरा पास ये प्लस बी प्लस सी है, और इसको मैं ऐसा करूंगा, इसको ए प्लस बी प्लस सी। देखो अब मैं इसी को ऐसा कराओ, क्या कराओ यहाँ पर तुम समझ लो पहले, पहले इस दोनों को मैं ग्रुप कराओ, यहाँ पर साथी कराओ, इसको साथी, इसको पहले ग्रुप कराओ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या कराओ, इसको दोनों को ग्रुप कराओ, यहाँ पर देखो इस दोनों को ग्रुप कराओ, पहले इसको ग्रुप कराओ बाद में इसको ग्रुप कराओ, ये आउटपुट सेम ही आएगा इसी को। देखो अब मैं ये लिख रहा हूँ थ्री लिख रहा हूँ, बी फोर लिख रहा हूँ, सी फाइव लिख रहा हूँ, ये कितना है थ्री बी फोर सी सी फाइव। अब यहाँ पर भी ये थ्री फोर फाइव, अब इसको ऐड करेंगे थ्री प्लस फोर प्लस फाइव नाइन, पर थ्री प्लस फोर सेवन एंड फाइव कितना फाइव, यहाँ पर कितना रहा नाइन प्लस थ्री ट्वेल्व, सेवन प्लस फाइव ट्वेल्व। आउटपुट में कुछ तो फर्क आया है, आउटपुट में कुछ भी फर्क नहीं आया ना, इसलिए एसोसिएटिव लॉ एडिशन को अप्लाई होगा, एडिशन को अप्लाई होगा, ऐसे ही सब्सट्रैक्शन को एसोसिएटिव लॉ अप्लाई नहीं होगा। देखो अप्लाई क्यों नहीं होगा बोले तो एसोसिएटिव लॉ सब्सट्रैक्शन को, तुम यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर तुम्हारे को बताऊँ, यहाँ पर देखो अब इसी को तुम समझो, एसोसिएटिव बोले तो क्या बोलते, एसोसिएटिव बोले तो ग्रुप करना। देखो ए माइनस बी सी करूंगा, इसको ए माइनस बी सी करूंगा, अब पहले मैं इसको ग्रुप करूंगा, पहले इसको पहले ऐसा ग्रुप करूंगा, इसको ऐसा ग्रुप करूंगा। अब देखो एसोसिएटिव अप्लाई होगा नहीं ग्रुप, थ्री माइनस फोर माइनस फाइव, थ्री माइनस फोर माइनस फाइव, अब इसको ग्रुप करेंगे, देखो थ्री माइनस माइनस करेंगे यहाँ पर, फोर माइनस फाइव माइनस वन, थ्री माइनस वन माइनस फाइव, देखो अब देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, थ्री प्लस वन यहाँ पर क्या आ रहा माइनस वन माइनस फाइव, थ्री प्लस वन फोर माइनस सिक्स। आउटपुट में देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में फोर आ रहा, राइट हैंड साइड में सिक्स माइनस सिक्स आ रहा, आउटपुट में फर्क आ रहा ना, इसलिए एसोसिएटिव लॉ तुम्हारे को माइनस में सब्सट्रैक्शन में नहीं होगा, एडिशन में होगा, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में भी होगा एसोसिएटिव लॉ। ऐसा याद रख लो तुम, बहुत आसान है इसको, तुम एसोसिएटिव बोले तो तुम उसको याद रखे तो तुम बहुत आसान से इसको याद रख सकते, एसोसिएटिव बोले तो देखो अब सब्सट्रैक्शन में कर मल्टीप्लिकेशन में करूँगा बी इंटू सी एंड ए इंटू बी इंटू सी, इसको पहले ऐसा करो, देखो ऐसा मैं यहाँ पर ग्रुप कर रहा हूँ, इसको भी ऐसा ग्रुप कर रहा हूँ, इतना ही बस, ये कितना है थ्री ए बी फोर सी फाइव, ए बी यहाँ पर थ्री ए फोर एंड फाइव, फोर फोर इंटू फाइव ट्वेंटी, यहाँ पर कितना होगा ट्वेल्व, यहाँ पर फाइव ट्वेंटी थ्री सिक्सटीन ट्वेल्व फाइव सिक्सटीन। देखो यहाँ पर, यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड में वही आउटपुट आ रहा, राइट हैंड साइड पे वही आ रहा, इसीलिए आउटपुट सेम होगा, एसोसिएटिव लॉ सिर्फ एडिशन को होगा अप्लाई एंड मल्टीप्लिकेशन को होगा, दोनों को ही होगा, और सब्सट्रैक्शन को भी नहीं होगा और डिवीजन को भी, इतना याद रख लो, एसोसिएट बोले तो इतना ही याद रखना, हम सिर्फ ग्रुप करना, ग्रुप करना, यहाँ पर ग्रुप कर रहे ना, यहाँ पर ग्रुप करें तो भी यहाँ पर पहले हम इसको ग्रुप कर रहे हैं, सेकंड में इसको ग्रुप कर रहे हैं, आउटपुट सेम ही आएगा, इसलिए एसोसिएट बोले तो ग्रुप से, एसोसिएट नाम से एसोसिएट नाम पड़ा, इसलिए इतना समझ लो। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोले तो इतना समझ लो इसको, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वो भी बहुत आसान है, हम समझेंगे उसका मीनिंग समझे तो तुम बहुत आसान से तुम इसको पता कर सकते हो। देखो अब मैं बता रहा हूं डिस्ट्रीब्यूटिव
वाला किस नाम से आया? डिस्ट्रीब्यूट नाम से आया। डिस्ट्रीब्यूट नाम से बोल तो डिस्ट्रीब्यूट मीनिंग उसको समझेंगे पहले। डिस्ट्रीब्यूट मीनिंग समझेंगे। डिस्ट्रीब्यूट बोल तो बांटना, बांटना, बांट सकते हैं ना हम, इतना इसको पैसा बांट सकते हैं हम। दस में है, दस रुपए है मेरे पास, हम दो लोगों को पैसा कैसे बांट सकते हैं? इसको 5 रुपए बांट सकते, इसको 5 रुपए बांटना। इसीलिए डिस्ट्रीब्यूट नाम से डिस्ट्रीब्यूटिव ला आया है। इतना समझ लो डिस्ट्रीब्यूटिव ला इतना यूज है तुम्हारे को, बहुत यूज है डिस्ट्रीब्यूटिव ला। यहाँ पर देखो ए इंटू बी इंटू सी, बी इंटू सी ना, ए प्लस बी, बी प्लस सी, ये है ए बी प्लस बी सी। देखो यहां पर देखो, हम पहले रखेंगे ए को 3 रखेंगे, ए को 3 रखेंगे, बी को 4 रखेंगे, सी को 5 रखेंगे। देखो ये डिस्ट्रीब्यूटिव बोलो तो हम, मैं ऐसा क्यों करा बोलो तो, यहां पर देखो मैं इसी का हक को इसी को मैं दिया हूं। ए इंटू बी कराओ पहले, ए इंटू बी, ए इंटू सी करा था। यहाँ पर मैं थोड़ा गलत लिखा, ए इंटू बी, ए इंटू सी, इसी का एक का डिस्ट्रीब्यूट कराओ इसी इसी को। ये को पहले इसको इंटू कराओ, ये भी आया, और सेकंड में इसको इंटू कराओ, ये सी आया। इसी में इस इसी को डिस्ट्रीब्यूट दिया, आउटपुट क्या आएगा? सेम ही आएगा। देखो तो ए को मैं 3 लिया हूं, बी को मैं कितना लिया हूं? 4 लिया हूं, सी को 5 लिया हूं। यहां पर कैसे लिख सकता हूं? 3 × 4, 3 × 5। अब देखो 3 × 4, 5 = 9, 4 + 5 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, हाँ 3 × 5 = 15। यहाँ पर प्लस सिंबल है इसलिए प्लस लिखना। 9 × 3 = 27, 12 × 15 = 27। देखो कुछ तो फर्क हुआ आउटपुट में, हम उसी उसी को डिस्ट्रीब्यूट दिया है, इतना यूज है 27 27। तुम इसका एप्लीकेशन पूछ सकते मेरे को, एप्लीकेशन कितना यूज है, एप्लीकेशन ये क्यों ऐसा कर रहे तुम, एप्लीकेशन बहुत एप्लीकेशन है इसको, इसका एप्लीकेशन बताऊंगा तुम्हारे को मैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना, इतना एप्लीकेशन है इसका, तुम्हें समझ लो मैं बता रहा हूँ। अब समझ लो तुम्हें इसका एप्लीकेशन कितना यूज है, तुम्हें देखो। अब मेरे को करना है, यहाँ पर 4 कर रहा हूँ, यहाँ पर 125 है, तुम समझ लो 125, ये 125 है इसको। अब मेरे को तुम बताया, मैं आसान, ये आसान तरीके से एग्जांपल दे रहा हूँ, 4 × 125 तुम बताया मेरे को, ऐसे इसको तुम करे तो कितना आता? 600 आता, तुम्हें बहुत ईजी से पता होगा। बट तो एक हार्डर रहेगा, तो यहाँ पर तुम इसको ऐसे भी लिख सकते ना, 120 + 5, ऐसे भी लिख सकते ना तुम। इसी को ऐसे लिखने के बाद इसी को 120 × 4 + 5 × 4, 124 होता। ऐसा मत लिखो क्योंकि और एक और हार्ड हो गए, ऐसा लिखो और भी हार्ड हो रहा है। 100 + 25 ऐसे भी लिख सकते ना इसको, ऐसा करो 4 × 100 + 25 × 4, ऐसे करे तो कितना? 400 + 25 = 60 होगा। आंसर इज 460, मैं 600 बोला यहाँ पर, गलत करा। यहाँ पर देखो 460, कितना आसान से हम कर सकते हैं इसको। देखो ऐसे ही कर सकते हो तुम कहाँ पर भी, मैं यहाँ पर गलत करा हूँ, यहाँ पर गलत करा हूँ मैं भी ऐसे समझ रहा हूँ। 24 × 4 = 100 होगा, 500 आएगा। कितना आसान से कर सके करें हम, ऐसे और एक एग्जांपल से लेंगे, और एक एग्जांपल हार्ड लेंगे, थोड़ा हार्ड लेंगे। हाँ मैं ले रहा हूँ यहाँ पर 136 ले रहा हूँ, 136 ले रहा हूँ, इसको 4 से करो डिवाइड, ऐसे कर सकते हैं इसको 100 + 36, ऐसे कर सकते हैं इसको। ऐसे करने के बाद 4 × 100 + इसको ऐसे भी कर सकते हैं 4 × 36, ऐसे कर सकते ना इसको। देखो अब 400 हुआ, अब ये 36 भी तुम्हारे को हार्ड हुआ बोल तो इसको मैं हक करो तुम 4 × 30 + 6 करो इसको,
और इसको 400 कर रहा हूँ ऐसे ही, 4 × 30 + 4 × 6 कितना इजी होगा देखो, 400 + 34 = 120, 4 × 6 = 24। अब इसको 400, 120 और 24 को ऐड करें तो कितना होगा, 520 एंड 520 × 24 544 होगा। कितना आसान है देखो, इसी को तुम ऐसा करे तो थोड़ा तुम्हारे को टाइम भी लगेगा। 4 × 6 = 24, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 12 देखो सेम आया ना। तो मेरे को बहुत एक एक बार एक एक नंबर रहेगा या पर बिलियन रहेगा या पर भी बिलियन रहेगा, तो मेरे को ऐसा करने का टाइम बहुत कंज्यूम होगा। इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बहुत आसान बनाया, बहुत आसान है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूट बोले तो डिस्ट्रीब्यूट करना, इसलिए उसी से डिस्ट्रीब्यूट नाम से ही डिस्ट्रीब्यूट रखे। देखो इतना आसान, तुम्हारे को तुम कॉन्सेप्ट समझो, पहले कॉन्सेप्ट समझो तो तुम्हारे को सब कुछ समझ सकते तुम। हाँ, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू। कुछ भी तुम्हारे को कन्फ्यूज हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम कुछ भी क्वेश्चन पूछो, मैं तुम्हारे को बताऊंगा। थैंक यू।